नमस्कार, मैं मोहम्मद अल्ताफ और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ ज्वालामुखी मंदिर के गेट के सामने जो उत्तर प्रदेश में आता है। एक तरफ कोरोना महामारी को लेके जहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा पूरा मध्य प्रदेश बंद पड़ा है, वहीं मध्य प्रदेश से सटा बॉर्डर में उत्तर प्रदेश स्थित यहाँ पे मंदिर खुला हुआ है और आज त्यौहार है। और उस त्यौहार में आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों को कि किस प्रकार से मास्क को लेके सजग भी नहीं है। और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ भीड़ मचाई जा रही है या भीड़ हो रही है या नहीं हो रही है। आइए अंदर चल के दिखाएंगे और मठाधीश से ही बात करेंगे कि नवरात्रि को लेके यहाँ पे किस गाइडलाइन क्या गाइडलाइन दिया गया था और उसको किस प्रकार से परिपूर्ण कर रहे हैं और फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के भक्तजन जो आस्था रखते हैं माता रानी से, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और किस वजह से आते हैं यहाँ पे। जी आपका नाम? मेरा नाम अभिषेक कुमार पनिका है, मैं बहन रहने वाला हूँ गनियारी का। हम मतलब अच्छा भीड़ होता है बहन गनियारी में। देखने को ये मिल रहा है कि पूर्ण रूप से लॉकडाउन है, तो फिर भी आप लोगों को आने का कंपन नहीं? मतलब आने का मतलब वो था कि मतलब माता का जो रात्रि स्टार्ट हुआ है यहाँ, मतलब आने का मतलब दर्शन करने का बताता था तो आए थे हम लोग। तो आप लोगों को आदेश पारित कहाँ से हुआ है? जैसे कि हर तरीके से लॉकडाउन है, बोला गया है घरों में रहना है, कहीं से किसी लोगों को छूट नहीं दी गई है, मास्क लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिदायत दी जा रही है। देखने को ये मिल रहा है कि आपने मास्क भी नहीं लगाया जैसे मंदिर के अंदर आए हैं। मंदिर के अंदर आने के बाद आपने मास्क भी नहीं लगाया और वहीं पर दूसरी तरफ आप बैढ़न से यहाँ तक कैसे आ गए जब चेक पोस्ट लगने के बाद? हम लोग मतलब रास्ते से आए हम लोग, मतलब कहीं ना कहीं चोरी चुपके से माता रानी का दर्शन करने आप लोग। तो इसमें आप लोगों की मुख्य वजह क्या रही होगी? आज जैसे त्यौहार भी है। हाँ, हम लोग का मतलब रामनवमी स्टार्ट होता है, आज से स्टार्ट हुआ है तो माता का दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लोगों की क्या आस्था जुड़ी हुई है? अच्छा है, माता जी समय पूजा करती हैं, इनका बहुत बड़ा जैसे योगदान। पंडित जी बता रहे थे कि अगर आपको माता रानी की पूजा करना है तो अगर आपके प्रदेश में या आपके गाँव घर में कोरोना महामारी फैली हुई है तो आप घरों में भी कर सकते हैं, तो फिर मंदिर आने की उतनी दूर से यहाँ तक आने की क्या वजह? क्या है थोड़ा मतलब मंदिर जान ही रहे हैं आप लोग, अब माता जी का मंदिर है थोड़ा आने का अच्छा लगा हमको। तो वजह क्या रहेगी, मतलब वहाँ से जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, मेरा बार बार वही सवाल आपसे है कि जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस प्रदेश के मुखिया बार बार बोल रहे हैं, जिस प्रदेश का जिस शहर का कलेक्टर बार बार बोल रहा है कि घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, उसके बाद भी आप बहन कहीं हैं, मगर अभी मैं नानी के यहाँ गया था अपने अनपुरा में, मैं वहाँ से भी आया हूँ। मतलब आप यही प्रदेश में रह रहे थे, दूसरे प्रदेश प्रदेश से जहाँ छूट है वहाँ से यहाँ? जी जी जी, हाँ अनपुरा से। छोटा भाई है मेरा। जी आप भी यहाँ पे आए हुए हैं? अनपुरा से आए हैं भैया, साथ में ही है। आप लोगों की पुरानी ऐसी कौन सी मनोकामना थी जो पूर्ण हुई है और जो आप लोग हमेशा हर साल यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं? मतलब आज आते हैं, रामनवमी है तो चले आते हैं, रहते हैं काकरे ही अनपुरा में, घर अपना अनपुरा घर है तो रहते हैं अनपुरा, तो ये भी भैया आए थे अनपुरा, तो हम लोग के पास में यही मंदिर पड़ता है तो चले आते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने पूरी पूजा पाठ कर ली है, अब यहाँ से वापसी किधर की होगी? अनपुरा की ओर। अनपुरा की ओर आपकी भी? अनपुरा अनपुरा घर है, जन्मभूमि, तो कहाँ जाएंगे भैया। चलिए धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोरोना महामारी को लेके पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में कहीं ना कहीं लॉकडाउन लगा है और कहीं पे खुला हुआ है। जैसे आपके पड़ोस में जो हमारा स्टेट पड़ता है मध्य प्रदेश, वहाँ भी लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की आस्था जुड़ी और आज त्यौहार भी है। और माना जाता है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार जिसे नववर्ष है, जिसे लोग बहुत दिल और चाहत के साथ मनाते हैं और अपनी आस्था को जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, जो भी उनकी कामना रहती है साल भर की उसे पूर्ण करने के लिए एक आस्था के साथ मंदिरों में जाते हैं। तो इस वर्ष ये हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, तो इस वर्ष क्या लगता है कि यहाँ पे जो भी आस्था वाले लोग थे वो यहाँ तक आ पाए हैं कि नहीं आ पाए? नहीं आ पाए। तो इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह क्या रही? इसकी मुख्य वजह है प्रशासन। कल मीटिंग हम लोग को बुलाए थे थाने में, हम लोग गए थे, बोले कि नहीं आप चौकी वगैरह कुछ पाठ पूजा कलश वगैरह सब कुछ नहीं रखा जाएगा। देखिए कहीं रखा हुआ है, कहीं रखा गया, और 5 आदमी का प्रवेश बताओ कि एक बार में केवल 5 आदमी जा सकते हैं। तो किसी तरह जो 10 आदमी का अलाव हम लोगों को किए, और
हम लोगों ने असमर्थता जताई कि भाई ऐसा है कि हम लोग का कहा तो कोई मानेगा नहीं, आप हमको फोर्स दीजिए जो कि गाइडलाइन उसको पालन करा सके। तो बोले असमर्थता जताई, हमारे पास फोर्स भी नहीं, चुनाव ड्यूटी में चली गई है सर, यहाँ तक कि होमगार्ड भी नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन भी अपने कार्य से पीछे हटने के लिए, जब आप लोगों ने मांग की थी तो प्रशासन भी अपने कार्य से पीछे हटने। बोले कि एक महिला कांस्टेबल हम दे सकते हैं आप लोगों को जी। इसके अलावा हम लोगों ने कहा कि आप NTPC बोल के कमांडेंट से CSF का व्यवस्था तो चार जवाना करा दीजिए। उसमें बोले कि वहाँ भी स्टाफ नहीं है, सब चुनाव ड्यूटी चले गए हैं, तो इससे आ रहे हैं लोग। भक्तजनों को कोरोना महामारी को लेकर ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि घरों में रह के ही अगर पूजा पाठ करते हैं, जैसे आप बड़े सिद्ध पंडित माने जाते सबसे, हैं। सबसे बढ़िया वही रहेगा, अपने अपने घर में रहें लोग, अपने घर में पाठ पूजा करें, बाहर न निकले, बाहर निकले मास्क लगा कर निकलें, एक दूसरे को छूए नहीं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, यही हम लोग संदेश देना चाहते हैं। हाँ भैया, कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ भैया, रघुनाथ नगर। छत्तीसगढ़ में तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन है, उसके बाद भी आप लोग इस जगह तक कैसे आ गए? हम लोग ऐसे आ गए कि थोड़ा गाड़ी का इंश्योरेंस बनवाना था, तो सोचे कि गाड़ी का इंश्योरेंस कराने के लिए वहाँ से परमिशन दे दिया गया था कि आप दूसरे प्रदेश आ सकते? नहीं, मेन रोड से आ रहे हैं, कोई नहीं, कोई रोका है। पॉलिसी हम लोग का ही करते ना। हाँ जी, यहाँ पे आप लोगों के आने की मुख्य वजह क्या है? बस गाड़ी यहाँ यहाँ मंदिर में इसलिए आ गए हम लोग कि गाड़ी का भाई पॉलिसी बनवाने आए थे, तो यह है कि यहीं पर आए थे तो दर्शन कर लेता हूँ जी। कहीं ना कहीं आप लोगों की भी आस्था माता रानी से जुड़ी हुई है। हाँ। और आज त्योहार भी है। हाँ। जी, आप कहाँ से आए हैं? तो साथ में सब साथ छत्तीसगढ़ से यहाँ आए। आप लोगों को रास्ते में कोई रोक टोक? कोई रोक टोक नहीं है। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक बल भी आज किसी प्रकार से थोड़ी सी रियायत दिया हुआ है कि जो भी आस्था रखते हैं वो अपने घरों से निकल के माता रानी के दर्शन तक आ सके। क्यों पंडित जी, यहाँ पे प्रशासन भी थोड़ी सी छूट दी है कि नहीं दी है? हाँ ऐसा है, तब तो भाई आना जाना बना हुआ है, लोगों का आना जाना बराबर बना हुआ है। हाँ, जो सुबह 6 बजे से बना हुआ है। तो यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी हुई है? हाँ, अच्छी खासी तो नहीं, नॉर्मल, जो सील वगैरह था बॉर्डर वगैरह उसमें नर्मदा मिली तो थोड़ा बहुत लोग आए हैं। तो बॉर्डर पे भी नर्मदा दी गई है? हाँ, लोगों को हाँ नम्रता दी गई है। चलिए, जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे थे पर्यटक जो कि माता रानी मंदिर के पास दर्शन के लिए हर वर्ष आते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से अभी आए हुए हैं, कुछ वैढ़न से आए हैं। ये उन इलाकों से आए हैं पर्यटक जो कि पूरी तरह से प्रतिबंध है, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के माननीय कलेक्टर द्वारा हर तरीके से पूर्ण रूप से लॉकडाउन किया गया है, फिर भी वो लोग यहाँ मंदिर में दर्शन के लिए आ गए। दूसरी तरफ पंडित जी का ये भी कहना है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है वो मास्क लगा कर आए, और साथ ही पंडित जी का ये भी कहना था कि जो दूसरे प्रदेश में हैं जिनकी आस्था यहाँ माता रानी से जुड़ी हुई है वो घरों में रहें, बने रहें हमारे साथ। कैमरामैन नतीश के साथ पोल खोल न्यूज में धन्यवाद। क्या आप भी बाहर की दवाइयों को लेकर रहते हैं परेशान? तो अब आपकी परेशानी हो गई है यूं खत्म। आज ही आए ज्योति मेडिकल स्टोर, जहां उपलब्ध है आयुर्वेदिक और सारी अंग्रेजी दवाइयां 10% की भारी छूट के साथ। साथ ही बड़े शहर जैसे बनारस, चेन्नई, जबलपुर और दिल्ली के साथ साथ NCL, नेहरू और NTPC की पर्चियों की दवाइयां भी आसानी से उपलब्ध हैं। अब घर बैठे कभी भी ऑर्डर करें और पाएं फ्री डिलीवरी। आज ही संपर्क करें। हमारा पता है ज्योति मेडिकल स्टोर, UBI रोड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेक हैपी योर फेट विद आवर ब्रांड विद SS फुटवेयर, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, ऑल एक्सेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैरन बिंदनगर रोड, धोदी, वैरन सिंगरौली, मध्य प्रदेश। फोन नंबर 9425177049, 9798859115। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।